अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेटा पास सिंपल टाइप टू का। नाउ लिसन केयरफुली बेटा, हमारे पास जो है आज पास सिंपल टाइप टू आ रहा है एज कम्पेयर टू प्रेजेंट सिंपल टाइप टू। बेटा नाउ दिस इज क्वाइट ईजी, ठीक है, लेकिन क्योंकि बेटा हमारे टेंसेस का पार्ट है तो लिहाजा हम इसको ज़रा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। बेटा आपके पास देखो सिमिलरली वही है, ये हैज़ हैव की जगह एक ही आएगा, हैड आएगा, ठीक है। लेकिन देखो जब अफर्मेटिव को हटा के बात करेंगे तो हैड बन जाएगा डिड में। अब बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई सब्जेक्ट तो यूज करते हैं लेकिन डिड नॉट के आगे इसको कर देते हैं हैड। अरे भाई ये हैड नहीं होगा, ये हैव ही रहेगा। मैं पहले से बता रहा हूं ताकि कोई मिस्टेक ना करे। मिसाल के तौर पे आई हैड अ बुक तो आई डिड नॉट हैव अ बुक। मैंने सेंटेंस बहुत आसान दिए हैं, बल्कि एक काम करते हैं, अगर तुम लोग जरा जल्दी से नोट डाउन कर ले दो मेरे बच्चों, तो मैं पास्ट सिंपल टाइप टू के साथ साथ तुम लोगों को फ्यूचर सिंपल टाइप टू भी करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। चलो बल्कि काम करते हैं, टाइम देखते हैं, टाइम काफी है हमारे पास, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। चलो दोनों करते हैं। तो मेरे बच्चों जरा पहले मैं आप लोगों को बेटा इसके दो सेंटेंसेस करवा रहा हूँ, लेट सी मेरे बच्चों तुम लोग क्या बनाते हो। मेरे पास गाड़ी थी, तो भाई हम जरा बनाते हैं, किसको बुलवाएं हम लोग, जफीर। मेरे बच्चे जरा माइक पर आओ बेटा, जफीर अगर आवाज आ रही है बेटा माइक पर आ जाओ। सफीर, अरे मेरा बच्चा यार, सिर्फ एक वर्ड कर। अच्छा ठीक है भाई, माइक खराब है हमारे पास का, और हम बोलें किसको बोलें, तो अक्सर बच्चों के माइक ही खराब है। चलो खैर भाई, थोड़े बहुत को बोलते हैं भाई, देखते हैं। इरिजा बेटा माइक पर आइएगा, शाबाश। वालेकुम सलाम बेटा, बताओ हमारे पास जो है ये सेंटेंस, मेरे पास गाड़ी थी, मेरा बच्चा बताओ क्या बनेगा इसका। आई हैव द कार। हाँ क्या, अरे ओ, 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 ओ भाई, हल्के हल्के अल्लाह की बंदी, ये पीछे देखो जरा, ये रो माइक बंद कर दिया अपना, माइक ऑन करो इधर बेटा। मेरा बच्चा सेंटेंस जरा स्ट्रक्चर देखो हमारे पास, मेरा देखो जरा, ये अफर्मेटिव में लिखा हुआ है, आई तो आ गया लेकिन हैव क्यों आएगा, क्या आएगा यहाँ पर। अच्छा सर, आई हैड, आई हैड, आई हैड अ कार, शाबाश। नेगेटिव बताओ, नेगेटिव क्या बनेगा। आई डोंट हैड अ कार। बेटा एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर बेटा पास कर रहे हैं, मैंने देखो यहाँ बताया भी है कि बेटा नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो, तुम खुद समझ जाओगी अगर स्ट्रक्चर उतार दिया है। बताओ डोंट तो नहीं आएगा, ठीक है सर, क्या बनेगा। आई डिड नॉट हैड द कार। मैंने अभी कहा कि बेटा ये वाला हैव चेंज नहीं होगा, ये हैव रहेगा। आई डिड नॉट क्या आएगा, ये हैव द कार। I had a car, I did not have a car. Interrogative क्या बनेगा? Did I have a car? Did I have a car? शाबाश। Interrogative क्या बनेगा? Did I don't have a car? Did I don't क्यों आएगा? Did I not? Did आ गया तो do क्यों आ रहा साथ में? Did I not have a car? इर्ज़ा बेटा क्या हो गया, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बेटा, क्या हो गया, आसान तो है, क्यों परेशान हुए हो। एक और बनाओगे इर्ज़ा बेटा, एक और ट्राई करोगे जी, ठीक है, एक और ट्राई करो। ये देखो, क्या हमारे पास पैसे थे, तो बेटा ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, आराम से बनाओ, चलो कर बनाओ, क्या बनेगा इसका बताओ। Do we have the money? अरे मेरा बच्चा, do क्यों आ रहा है? Interrogate, तुम्हारे पास, तुमने structure note down किए? पहले बताओ। Structures note Sir, down? नहीं, अभी अभी class join की थी। अच्छा तो बोलो ना फिर, stupid क्यों तुम इस तरह करो। मैंने कहा एक काम करो, जरा इसका screenshot लो, तुम जरा note down करती रहना, screenshot लो बेटा इसका जरा पहले। Sir, ले लिया। ठीक है, अब जरा तुम ये note down करो, मैं किसी और से पूछता हूँ, सही है।
वही मैंने कहा परेशान हो रही बेचारी बच्ची बताने रही। अच्छा दर्शना बेटा माइक पर आओ, शाबाश। जी सर, मेरा बच्चा जरा सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर जरा आपके पास। क्या हमारे पास पैसे थे? मेरा बच्चा ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव बनाओ, क्या बनेगा हमारे पास ये। डिड वी हैव मनी? डिड वी हैव मनी, ओके। और अफर्मेटिव क्या बनेगा। वी हैव मनी, हाँ वी हाँ हैड मनी, हाँ वी वी हैड हैड मनी। पास्ट है, वी हैड मनी। नेगेटिव क्या बनेगा। वी डिड नॉट हैव मनी, डिड वी नॉट हैव मनी? अरे आराम से अल्लाह की बंदी, जज्बात ही क्यों हो जाती हो। वी हैड मनी, वी डिड नॉट हैव मनी, डिड वी हैव मनी, डिड वी नॉट हैव। सही है। अच्छा मेरे बच्चों बेटा जल्दी से इसको जरा यहाँ तक नोट डाउन करो बेटा, फिर मैं आपको जरा आगे सेंटेंसेस करवा रहे हैं। यहाँ तक मेरे बच्चों जरा जल्दी से कर लो, क्योंकि मुझे तुम लोगों को फ्यूचर भी करवाना है और बेटा मैंने प्रेजेंट वाले के आंसर्स भी टैली करवाने हैं। जल्दी करो, शाबाश। यहाँ तक करने के बाद मुझे मैसेज कर देना डन का। सिर्फ एक बच्चे का मैसेज आया अशद का, अब आ रहे हैं, अब स्पीड से आना शुरू हो गए। तीन बच्चों के आ गए, चौथे का भी आ गया, पांच छ सात आठ नौ दस चलो 1 मिनट दे रहा हूं, जिसने अभी तक नहीं किया बेटा वो कर लो यहां तक, शाबाश। अच्छा बेटा मैं जरा इसके, मैं आप लोगों को बेटा इसके जरा सेंटेंस दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। अभी तक कुछ बच्चों का मिसिंग आ रहा है मेरे ख्याल से, अभी तक कुछ बच्चों ने मुझे रिप्लाई नहीं किया है। आई डोंट थिंक के सब बच्चों का मैसेज आया मेरे पास अभी तक। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो भाई, अभी तक लिखा नहीं क्या तुम लोगों ने। चलो खैर बेटा मैं आपको जरा आगे यहाँ पर सेंड, अभी मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, किसी ने अगर अभी तक नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा सारे बच्चे जरा पहले सबसे पहले ये वाले सेंटेंसेस नोट डाउन करो। और देखो मैंने जो अंडरलाइन करके दोबारा से यहाँ पर किया हुआ है वो, तुम्हारे बाल लंबे थे अली की मूछें बड़ी थी, ठीक है ऐसे किया हुआ है। तो अगेन बेटा ये वाले सेंटेंसेस सुन लो, जरा नोट डाउन करो और जब ये कर लो तो मुझे बताना। नोटेड, फिर हम जाएंगे फ्यूचर पर। बहुत छोटे से सेंटेंस हैं, टाइम मत लगाना, मिला हुआ जाएगा, ठीक है। ये नोट डाउन करने के बाद वही आंसर्स की जगह छोड़ते रहो और फिर मुझे मैसेज करना नोटेड का, मैं फिर आपको बेटा आगे लेके जाऊंगा। जल्दी करो मेरे बच्चों, शाबाश, जल्दी जल्दी से। सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा यहाँ तक करो, फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को जरा आगे बताऊंगा। शाबाश। अच्छा
चलो भाई, शाबाश शाबाश। मारवी बेटा, मूछों को इंग्लिश में बोलते हैं मुस्टैश, MUSTACHE। ठीक है, हाँ भाई, 1 मिनट और दे रहा हूँ, जल्दी से कर लो मेरा बच्चा। शाबाश। अच्छा भाई, अब यहाँ तक मेरे बच्चों आप लोगों ने कर लिया। अब एक काम करते हैं बेटा, आपको पहले हम बताते हैं यहाँ पर अपना जो प्रेजेंट के आंसर थे, क्योंकि अब जरा क्लास का बीच चल रहा है, तो कोई अगर लेट हुआ भी है अभी तक, तो वो कोई बेवकूफ अपनी ही गलती की वजह से लेट हुआ होगा। मेरे बच्चों जरा मैं आपको पहले आंसर टैली करवा रहा हूँ प्रेजेंट के, फिर हम फ्यूचर पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सेंटेंसेस जरा सुनो। तुम्हारे पास मोबाइल है, इसका बनेगा यू हैव अ मोबाइल, यू डू नॉट हैव अ मोबाइल। ये प्रेजेंट के आंसर टैली करवा रहा हूँ, देख लो, ठीक है। यू हैव अ मोबाइल, यू डू। अच्छा, मजे की बात ये कि बेटा इंग्लिश में ना, अगर अगर एक्चुअल प्रोनंसिएशन की बात की, जैसे मोबाइल नहीं पढ़ते, जैसे पढ़ते हैं मोबाइल, यू हैव अ मोबाइल। जो बच्चे अगर गेम्स वगैरह खेलते हैं ना मोबाइल पर, और उनको अगर पता होगा कि जो अगर वो एड्स वगैरह देखते हैं, तो बोला जाता है मोबाइल गेम्स, मोबाइल गेम्स नहीं पढ़ते वो लोग, तो ये बात पता होनी चाहिए। यू डू नॉट हैव अ मोबाइल, डू यू हैव अ मोबाइल, डू यू नॉट हैव अ मोबाइल। फोर्थ है, क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं है, तो क्या बनेगा, डज ही नॉट हैव अ कंप्यूटर, ही हैज अ कंप्यूटर, ही डज नॉट हैव अ कंप्यूटर, डज ही हैव अ कंप्यूटर। डज के साथ हैज मत लगा देना, अल्लाह के वास्ते। 10 तक काउंट कर रहा हूँ, करेक्शन करो उसकी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नेक्स्ट पर आओ। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, उसके पास चूड़ियां नहीं है, तो क्या बनेगा, शी डज नॉट हैव बैंगल्स। वैसे अगर सेंटेंस के मुताबिक हमें नहीं पता चल रहा कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में, मतलब सेंस लेकिन लड़की का बन रहा है, ठीक है, तो बनेगा शी हैज बैंगल्स, डज शी हैव बैंगल्स, डज शी नॉट हैव बैंगल्स। सिक्स है, क्या उनके पास नए कपड़े हैं, तो बनेगा डू दे हैव न्यू क्लोज, दे हैव न्यू क्लोज, दे डू नॉट हैव न्यू क्लोज, और डू दे नॉट हैव न्यू क्लोज। अगेन 10 तक काउंट कर रहा हूँ, जरा देख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नेक्स्ट पर आओ बेटा हमारे पास, सारे के सारे, तुम्हारे बाल लंबे हैं, जिसका बनेगा यू हैव लॉन्ग हेयर, यू डू नॉट हैव लॉन्ग हेयर, डू यू हैव लॉन्ग हेयर, डू यू नॉट हैव लॉन्ग हेयर। 8 है हमारे पास, आमना की आंखें नीली हैं, इसका बनेगा आमना हैज ब्लू आइज, आमना डज नॉट हैव ब्लू आइज, डज आमना हैव ब्लू आइज, डज आमना नॉट हैव ब्लू आइज। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और आई थिंक फ्यूचर वाला हमारा हमारा एक सेंटेंस मैंने शायद लिखा हुआ नहीं है। मेरी एक छोटी बहन है, बता रहा हूँ, सुन लो जरा। आई हैव अ यंगर सिस्टर, दोबारा सुन लो क्या बोल रहा हूँ, आई हैव अ यंगर। अगर किसी माशाल्लाह बंदे ने, किसी ने लिटिल लिख दिया या स्मॉल लिख दिया, तो मेरे बच्चों बेटा वो छोटी है, बोनी नहीं है, ठीक है, यंगर लिखना है उसको। बात समझ में आ गई, यंगर बोलने में चलता है, देखो स्पोकन में चलता है, वो लिटिल सिस्टर वो मस्ता नहीं है, लेकिन बेटा स्पोकन में और रिटन में बहुत फर्क होता है। तो इसलिए क्या आएगा, आई हैव अ यंगर सिस्टर, आई डू नॉट हैव अ यंगर सिस्टर, डू आई हैव अ यंगर सिस्टर, डू आई नॉट हैव अ यंगर सिस्टर। ठीक है, अब बेटा सारे के सारे जरा फ्यूचर पे आ जाओ मेरे बच्चों। और बेटा फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं, तो बेटा आप लोगों ने सबसे पहले फ्यूचर सिंपल के जरा ये जरा स्ट्रक्चर नोट डाउन करना शुरू करो। फिर बेटा हम आपसे जरा इसके भी जरा सेंटेंसेस जरा आपको इस एग्जाम्पल के तौर पे बनवाएंगे। जल्दी से मेरे बच्चों जरा बेटा ये सेंटेंसेस नोट डाउन करो बेटा, फिर हम आपको जरा इसकी इस एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखवाएंगे। शाबाश बेटा, शुरू हो जाओ सारे के सारे बच्चे।
दो बच्चों का मैसेज आ गया कि नोट डाउन कर लिया भाई, बाकी भी करो फटाफट। हाँ भाई कर लिया। ठीक है बच्चों के मैसेज आना शुरू होगा बेटा हमारे पास। बेटा हम आगे बढ़ रहे हैं और मेरे बच्चों, बेटा हम जरा दोबारा से तुम लोगों को जरा यहाँ समझा रहे हैं। दो एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस दूंगा मेरे बच्चों आप लोगों को, और जब ये दो कर लोगे तो बेटा उसके बाद हम लोग जो है आसानी से कर लेंगे। बहुत सिमिलर सेंटेंस से आराम से कर सकते हो। मेरे पास गाड़ी होगी, नाउ लेट्स सी। हम ना इरफान, बेटा माइक पर आइएगा, शाबाश। हम ना माइक पर आओ बेटा। यस सर। बेटा मेरे पास गाड़ी होगी, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? बहुत आसान है, आराम से बना लोगी, बताओ। आए, हाँ आई हैव अ कार। हाँ गलत, दोबारा बोलो। आई विल हैव अ कार। आई विल हैव अ कार। नेगेटिव क्या बनेगा? आई विल नॉट हैव अ कार। आई विल नॉट हैव अ कार, शाबाश। इंटरोगेटिव क्या बनेगा? Will I have a car? शाबाश। इंटो नेगेटिव क्या बनेगा? Will I not have a car? Will I not have a car? शाबाश। I will have a car. I will not have a car. Will I have a car? Will I not have a car? ओके भाई सही है। बेटा नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग अपने पास। एक मिनट रुक जाओ, हम जरा किसी और से पूछते हैं। अब ये किससे पूछें, किससे पूछें? उस्मान माइक पर आओ बेटा। उस्मान बेटा माइक पर आओ। उस्मान माइक पर आओ मेरा बच्चा। हाय सही है भाई, सही टोपियां। अच्छा और किसको बोलें? असद माइक पे आओ बेटा। जी सर, सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। असद बेटा जरा सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ हमारे पास? क्या हमारे पास पैसे होंगे? बेटा ये हमारे पास इंटरोगेटिव है, बताओ क्या बनेगा इसका? विल वी हैव अ मनी? आ नहीं आएगा। विल वी हैव मनी? अफर्मेटिव क्या बनेगा? वी विल हैव मनी। शाबाश। नेगेटिव क्या बनेगा? विल वी नॉट हैव मनी? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव। विल वी नॉट हैव मनी सर? अरे मेरा बच्चा, नेगेटिव में पहले विल थोड़ी आता है, पहले सब्जेक्ट आएगा। अच्छा सर, वो ऊपर देख रहा था। हाँ वी विल नॉट हैव मनी। शाबाश। अब बताओ इंट्रो नेगेटिव, बताओ क्या बनेगा? विल वी नॉट हैव मनी? शाबाश, गुड। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा यहाँ तक आप लोगों ने जल्दी से जरा इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आप लोगों को जरा फ्यूचर के भी स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, फिर बेटा बनाते रहना। शाबाश।
जल्दी से यहाँ तक करो बेटा, सिर्फ एक बच्ची का मैसेज आया डन का, यहाँ तक जब आप काम कर लो फिर मैं आपको फ्यूचर के भी बेटा सेंटेंसेस दूंगा और आप लोग फिर इसको खुद ही बनाते रहना, आराम सुकून से बेटा बनाते रहना। शाबाश, तीन बच्चों चार बच्चों का मैसेज आ गया, शाबाश, चार बच्चों के भाई मैसेजेस आ गए हैं, जल्दी करो भाई। एक मिनट और दे रहा हूं, एक मिनट हमारे पास अभी हो रहे हैं 40, एक मिनट और है, करो करो, उसके बाद तुम लोगों में ये चेंज कर दूंगा और फिर स्क्रीन पर वही रहेगा, तुम लोगों ने वो बनाना होगा। Seconds. चलो भाई 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा मेरे बच्चों बेटा जल्दी से ये वाले सेंटेंसेस अपने पास नोट डाउन कर लो, ठीक है, खुद बनाते रहो, मैं यहीं पर मौजूद हूँ, अभी क्लास से जाना मत पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि जिसको जो प्रॉब्लम हो बेटा चैट पे पूछ लेना, मैं यहीं पर हूँ, आंसर दूंगा आपके, ठीक है। लेकिन सबसे पहले सेंटेंसेस नोट डाउन करो, उसके बाद जाके बताना शुरू करना, ताकि क्लास खत्म भी हो तो मटीरियल तो मेरे बच्चों आपके पास हो। शाबाश, सब बच्चे शुरू हो जाओ बेटा, सारे के सारे शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी करो, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है। वैसे वीडियो वगैरह अपनी ऑडियो बंद कर रहा हूँ, लेकिन परेशान मत होना, जल्दी करो और बनाओ साथ साथ, अभी क्लास का टाइम चल रहा है ना, अभी है टाइम, बना दे रहो सारे के सारे।
अच्छा हमारे पास बेटा जो अच्छा बेटा बाकी बच्चे जो कर चुके हो मेरे बच्चों, आप लोग सेंटेंसेस नोट डाउन कर चुके हो तो यू कैन लीव, आप क्लास छोड़ के जा सकते हो ठीक है, क्योंकि कभी क्लास में आपको आंसर बताने का टाइम नहीं होगा। लेकिन अशद बेटा बड़ी को बिग बोलोगे ठीक है, बिग बोलोगे, बिग लॉन्ग नहीं बोलना, लॉन्ग लंबी के लिए आता है। और अशद बेटा बात सुनो, आपने मेरा बच्चा जो सेंटेंस का मुझे आंसर बताया है ना कि योर हेयर वॉज लेंथी, मेरा बच्चा हमने टाइप 2 से बनाना है, टाइप 1 से नहीं बनाना। तो क्या बनेगा, यू हैड लॉन्ग हेयर आएगा, और योर हेयर के साथ अगर अगर जबरदस्ती का बनाना होता ना तो वर्ब नहीं लगता, वॉज लगता, बिकॉज हेयर को हमेशा हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। आई नो कि बेटा हेयर जो है हमारे पास प्लूरल है, लेकिन बेटा हमेशा हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता, सही है। तो क्या बनेगा, यू हैड लॉन्ग हेयर आएगा, और अगर फ्यूचर की बात करो यू विल हैव। टाइप 2 से बनाओ, टाइप 1 से मत बनाओ। अगर आप टाइप 2 के स्ट्रक्चर देखो जो मैंने आपको लिखवाया है, तो मेरा बच्चा उसके मुताबिक, मैंने वॉज वर्ड लिखवाया नहीं है, मैंने तो लिखवाया हैड और वो कन्वर्ट हो गया डिड में। शाबाश बेटा दर्शना, गुड। अशद बेटा बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ चलो मेरे बच्चों, बेटा अब तो खैर 1 मिनट रह गया है, कुछ सेकंड रह गए, आपके सामने भी लिखा हुआ आ रहा होगा, हम खुद क्लास रोक रहे हैं यहाँ पर, सही है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह बेटा इसको हम कंटिन्यू करते हैं अपनी, सही है। तो जल्दी से सारे सेंटेंस बना लेना, अपना ख्याल रखिएगा सब बच्चे बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।